दोस्तों आईपीएल 2023 में केकेआर की टीम अपना फर्स्ट मैच पंजाब टीम के खिलाफ हार चुकी है, लेकिन उसके बाद भी केकेआर टीम से कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिला है जो आरसीबी टीम के खिलाफ मैच से पहले प्लेयर्स का मनोबल बढ़ाएगी। अब लोगों को बता दूं 6 अप्रैल आरसीबी टीम के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलेगी केकेआर, तो टीम में होने वाली है कुछ बड़े बदलाव। तो क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिला है, कैसा रहेगा केकेआर टीम का प्लेइंग 11, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखें। केकेआर टीम का डाई हार्ड फैन है और एक भी मिस नहीं करना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों पंजाब मैच के बाद केकेआर टीम प्लेयर्स ऑलरेडी कोलकाता पहुंच चुके हैं। होम ग्राउंड यानी कि ईडन गार्डन्स में मैच है, लंबे समय बाद केकेआर होम ग्राउंड में अपना मैच खेलने जा रही है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो केकेआर टीम का दो रिटेन हुए प्लेयर वेंकटेश अय्यर और वरुण चक्रवर्ती को शुरू से बढ़िया फॉर्म में देखने को मिल रहा है। 2021 में रिटेन हुए दो प्लेयर्स का फॉर्म 2022 में बहुत ही खराब रहा था, लेकिन इस साल फर्स्ट मैच से वरुण को बहुत ही बढ़िया इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हुए देखने को मिला है। 4 ओवर गेंदबाजी करके 26 रन देकर 1 विकेट ले चुके हैं। बात करें वेंकटेश अय्यर के बारे में तो वेंकटेश को केकेआर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खिलाई थी और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उनसे भी देखने को मिला है। अगर आउट नहीं होते तो केकेआर शायद फर्स्ट मैच जीत गई होती, 28 गेंदों में 34 रन बनाए थे। दूसरा जो गुड न्यूज है वो है दोस्तों आरसीबी टीम के खिलाफ लॉकी फर्गुसन खेलने वाले हैं। हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण उनको फर्स्ट मैच में रेस्ट दिया गया था, लेकिन अब रेस्ट के बाद पूरी तरीके से फिट है और 6 तारीख के मैच में उनको जरूर से देखने को मिलेगा। तो लॉकी फर्गुसन खेलेंगे यानी कि डीम साउथी को बाहर जाना पड़ेगा और प्लेइंग 11 में इस बदलाव के साथ साथ अनुकूल रॉय को भी बाहर जाना पड़ेगा। उनके जगह नारायण जगदीशन को प्लेइंग 11 या तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खिलाया जाएगा। नेक्स्ट मैच में वेंकटेश अय्यर को रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ ओपनिंग में भेजा जा सकता है, तब मनदीप सिंह नंबर 3 या तो नंबर 4 पर उतरेंगे और नारायण जगदीशन रहेंगे इंपैक्ट प्लेयर लिस्ट में, वरुण के साथ उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या केकेआर अपना सेकेंड मैच आरसीबी टीम के खिलाफ जीत पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।